नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चले मित्रों, विधि शुरू करते हैं। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जान लेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको दिन में करनी होगी। किसी भी दिन आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको ये विधि करनी है। माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। जब भी विधि करें स्नान आदि से निवृत्त होकर ही विधि कीजिएगा, एकांत में कीजिएगा और सही से विधि को कीजिएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधि शुरू करेंगे। अब जानते हैं विधि की सामग्री। तो मित्रों, विधि की सामग्री के रूप में आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र चीनी। एक पात्र में आप चीनी ले लेंगे, लगभग इतनी या इससे थोड़ी ज्यादा आपके अनुसार आप चीनी ले लेंगे और फिर उसे आप ये विधि में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बता देता हूँ विधि कैसे करनी है और किस तरह करनी है वो आप जान लेंगे। तो मित्रों, आपको सबसे पहले एकांत में बैठना है, कपड़ा बिछाकर आसन लगाकर बैठना है। सामने सामग्री रखें तो भी आप कपड़ा बिछा कर रखें, जमीन पर सीधे संपर्क मत कराइएगा। अब आपको करना ये है कि जो भी पात्र इसमें आपने छीन ली उसको आप सीधे हाथ में ले लेंगे। सीधे हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करेंगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र सही होगा तभी अपना काम होगा, नहीं तो ये मात्र एक सामान्य सामग्री है, अब तक इसका कोई महत्व नहीं है तांत्रिक विद्याओं में। अभी हम इसे अभिमंत्रित करके तंत्र विद्या के अनुसार ढाल लेंगे। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, ओम वल्लभाय कृष्णाय, सामने वाले का नाम वशीभूतम कुरु, नमो नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। मित्रों, मैं फिर से बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेगा। इसको सीधे हाथ में लेकर, मंत्र है, ओम वल्लभाय कृष्णाय, सामने वाले का नाम वशीभूतम कुरु, नमो नमः। 108 बार, 108 बार आपको यह मंत्र बोलना है। जब आप 108 बार मंत्र बोलते हैं, जब आपने 108 बार मंत्र बोल दिया है, उसके बाद आप इसको किसी भी पात्र से ढक कर सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, जहां आपके अलावा कोई दूसरा इसको ना छेड़े। वहां पर रखकर आप अपने काम में लग जाएंगे। और अब मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको करना बस ये है कि जब आप कोई उपयोग करें खाने पीने में या मीठी चीज का, यानी चीनी का, आप जहां पर भी उपयोग करने वाले हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, वहां पर आपको ये चीनी मिला देनी है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी खाना खा रहे हैं, आप खा सकते किसी और भी मीठे पदार्थ को, जैसे इस चीनी को पर आपको खत्म करना है, इसको आपको ग्रहण करना है किसी भी तरह से, तो आप नींबू पानी में मिलाकर पी लीजिए, आप अपनी चाय में मिलाकर पी लीजिए, पर आपको ये चीनी इस्तेमाल करने शुरू कर देनी है पहले दिन से ही। अभिमंत्रित होने के बाद आप चीनी इस्तेमाल करेंगे अगले 3 दिन तक। इन 3 दिनों में आपको ये चीनी चलानी है। इतनी चीनी ले लीजिएगा जितनी आपके लिए 3 दिन तक बनी रहे, उतनी चीनी को आप अभिमंत्रित करेंगे। आपने पहले दिन अभिमंत्रित किया, उसके बाद आपने नींबू पानी में मिलाकर चाय में मिलाकर आधी चीनी खत्म कर ली है। दूसरे दिन फिर मित्रों उस चीनी को लेंगे, बाकी बची को सीधे हाथ में लेंगे और उसको भी अभिमंत्रित करेंगे फिर इसी मंत्र से। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, ओम वल्लभाय कृष्णाय, सामने वाले का नाम वशीभूतम कुरु, नमो नमः। फिर से 108 बार अभिमंत्रित किया। दूसरे दिन सुबह, दिन में सुबह कर लीजिएगा मित्रों, बेहतर रहेगा। फिर पूरे दिन उस चीनी को इस्तेमाल कीजिएगा। एक कटोरी चीनी आप ले लेंगे, उसको 3 दिन तक रोज अभिमंत्रित करेंगे। तीसरे दिन भी आपको सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अभिमंत्रित करना है और तीसरे दिन की रात तक उस चीनी को चलाना है। तीसरे दिन की रात्रि तक आप उस चीनी को सूर्यास्त होने के बाद उस चीनी को जितनी भी बची होगी सारी ग्रहण कर लेंगे किसी भी प्रकार से, और फिर जैसे आप ग्रहण करेंगे आपकी विधि वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इस बर्तन को आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, इसका कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीनी को भी अभिमंत्रित किया है, पात्र को नहीं। तो फिर मित्रों, आप जैसे ही वो चीनी ग्रहण करेंगे बाकी की, आपकी विधि वहीं पर समाप्त हो जाएगी और आप
आकर्षक हो जाओगे, आप आकर्षण के हकदार हो जाओगे उस आकर्षण के जितना सामने वाले को आपके लिए चाहिए। सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा, सामने वाला खुद ब खुद आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगा और उसके मन में आपके लिए बहुत सारा आकर्षण आएगा। पर मित्रों, इस विधि को सही से करना होगा, इस विधि में कोई गलती नहीं करनी होगी, विधि को गलत नियत से नहीं करना होगा। और अगर आप ना कर पा रहे, किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे कोई भी विधि को, तो मित्रों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क कीजिए, हमारे यहाँ पे आपके लिए कार्य किया जाएगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो, और आपके जीवन में वापस वो खुशियाँ लाई जाएगी जो आप चाहते हैं। पर मित्रों, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से विधि कीजिए, गलत नियत से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सही नियत से कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें, और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।